नमस्कार, मैं प्रीति पांड्या। हमेशा आप लोगों के बीच आप लोगों के जो प्रश्न हैं उन्हें लेकर उपस्थित होती रहती हूँ टाइम टू टाइम। और आज मैं आपके खास टॉपिक को लेकर आप लोगों के बीच आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि जब हम एक नन्हे से बालक को जन्म देते हैं तो उनके स्किन की केयर कैसे करें, उनके बालों की केयर कैसे करें, जिससे फिर वो मतलब होता नहीं कि बेस स्ट्रॉन्ग कर लो तो फिर वो आगे हमेशा उनकी स्किन अच्छी रहे। तो बहुत से मेरे क्लाइंट्स इसका आंसर जानना चाहते थे कि कैसे उनकी केयर करें, एक नन्हे से बच्चे की केयर, क्योंकि उनकी स्किन जो है बहुत ही नाजुक होती है। तो आज मैं इसी टॉपिक को लेकर आप लोगों के बीच आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारा आज का ये टॉपिक, जो भी अभी मदर बन रही हैं, बनने वाली हैं, और उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको मेरे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो बच्चे जो हैं, हम एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो मेंटली सबसे पहले प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है कि हम खुद उनकी केयर कर सकते हैं कि नहीं, हमारे पास कितना वक्त है या हम कितने केपेबल हैं। अपने आप को अच्छी तरह से जज करके, अपने आप को प्रिपेयर करके ही प्लान करना चाहिए बच्चे के लिए। तो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, सही नॉलेज गेन करें, और उसके बाद आप एक बच्चे को जन्म दें और उसे बहुत प्यार से, जैसे पौधे को सींचते हैं ना, उस तरह से उसको सींचना है। तो उसके लिए आपको परफेक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस नॉलेज, इस केयर में, उनके स्किन और हेयर केयर में सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपको उनके बॉडी की मसाज करनी है। तो आप कोशिश करो कि बहुत प्यार से, अच्छे से गाना गाते हुए, प्रेम से उनकी बॉडी में तेल आप खुद से लगाओ, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ऑयल को हल्का वॉर्म करना है, मतलब वो हॉट भी नहीं रहे और वो एज इट इज आपको यूज नहीं करना है, ठीक है, और बहुत हॉट भी नहीं करना है, हल्का सा वॉर्म करके, ताकि वो ऑयल जो है वो बच्चे के स्किन में पेनिट्रेट करे और उनका स्किन जो है ना वो शू से, मतलब एक मॉइस्चर जो है लॉक्ड हो जाए, अच्छे से अंदर जाए और फिर बॉडी जो है एकदम स्मूथ रहे। तो ये अगर आप शुरू में केयर कर लोगे तो आगे हमेशा उनकी स्किन जो है ना अच्छी रहेगी, फिर उन्हें अलग से बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप वॉर्म ऑयल लें और अच्छे से प्रेम से बच्चे के बॉडी में मसाज करें। और इसके लिए आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इन ऑयल में आप चाहो तो ग्रेपसीड ऑयल या जोजोबा ऑयल, ये थोड़ा मिक्स कर सकते हो अगर आपके पास है अवेलेबल, तो आप थोड़ा मिक्स करके और इस ऑयल से अगर आप बच्चे की बॉडी में मसाज करोगे तो आप देखोगे कि उनका स्किन जो है ना वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही माइल्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, उससे स्किन जो है ना काला भी नहीं होगा, है ना। मस्टर्ड ऑयल इज अ वेरी गुड ऑयल, बट उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है। तो ये चीज़ अगर आपको, ये बहुत आप केयरफुल हो कि आपको बच्चे गोरे गोरे चाहिए, तो आप कोशिश करो कि मस्टर्ड ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। फिर नेक्स्ट है कि आपको सोप यूज नहीं करना है, चाहे वो प्रिफरेबली बेबी सोप हो, बट उसमें केमिकल है और आपके बच्चे की केयर आपको बड़े प्यार से, बड़े नाजुकता इसके साथ करनी है, क्योंकि उनकी स्किन नाजुक है। तो आप सोप बिल्कुल भी ना यूज करें। आप कोशिश करें कि एक पैक हमेशा रेडी रखें, चंदन पाउडर और उसमें थोड़ा सा केशर और उसमें हल्दी जो होती है, वाइल्ड टर्मरिक, जो स्टेन नहीं होता, वो हल्दी जो है वो स्टेन नहीं होता है, तो इन तीनों को आप दूध या दही में मिक्स करो और वो आप बच्चे की बॉडी में, फेस पे, पूरे बॉडी में आप लगा सकते हो। तो वो लगाया, थोड़ी देर 10-15 मिनट छोड़ दो, और उसके बाद, और ये सब कब होगा प्रोसीजर, जब बच्चे का मूड अच्छा हो,
जब वो रो रहे हैं उस समय अगर आप उनको पैक लगाओगे तो वो नहीं ये लगवाएंगे, तो वो पैक आप बच्चे को लगाओ। ये 3-4 साल तक आप कर सकते हो, फ्रॉम 0 to 4 years, ओके। तो ये पैक लगाओ, उसके 10-15 मिनट छोड़ दो, फिर कपड़े को गीला करके, एक मॉइस्ट करके, मतलब एकदम सॉफ्ट कपड़ा, कॉटन कपड़ा कोई भी लेके, और धीरे धीरे पूरे फेस को, पूरे हाथ पैर सब, पूरे बॉडी को वाइप करो, और वाइप करने के बाद बच्चे को नहला दो। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत कोई लंबा रॉकेट साइंस नहीं है इसको करने में। और इसके अलावा आप चाहो तो बीच बीच में कभी बेसन से वॉश कर लिया बच्चे की स्किन को, कभी आप बेसन और हल्दी मिक्स करके, या फिर ब्रेड होता है ना, ब्रेड का साइड पार्ट आप कट कर दो और जो बीच वाला पार्ट है उसे आप दूध में डिप करो और उससे बॉडी आप बच्चे की क्लीन करो, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इन सब से आप बच्चों की केयर करोगे तो वो बचपन से अगर वो ये चीज यूज कर रहे ना तो वो डेवलप्ड रहेगा, उनकी भी हैबिट रहेगी, और जब वो बड़े हो जाएंगे ना तो उन्हें वो जो हमारा उपटन वाला प्रोसेस है कि हमेशा उपटन यूज करना चाहिए, वो उनकी उनके हैबिट में रहेगा, ठीक है। तो ये बच्चे को आप शुरू से आप इस तरह से केयर करो, और अगर आप एक डब्बे में मिक्स करके ये सब चीज रखोगे ना तो आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज वॉर्म ऑयल, सेकेंड इज आपको सोप यूज नहीं करना है, आपको ये सब पैक्स यूज करना है, ओके। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि आप हमेशा जब भी बच्चे को नहलाओ तो कभी भी बहुत गर्म पानी से नहीं नहलाना है, या फिर ठंडे पानी से नहीं नहलाना है। गर्म मतलब आपको अच्छा लग रहा है बट वो बच्चे की बॉडी को सूट नहीं करेगा। आप अगर वो पानी में हाथ डाल के देख रहे हो तो आपको लगेगा कि ये बहुत गर्म नहीं है, बट बच्चे को उतने गर्म पानी से मत नहलाइए, उनके बॉडी का मॉइस्चर एकदम खराब हो जाएगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, बच्चे का स्किन ड्राई होने लगेगा, और उसके बाद होगा कि आपको लगेगा कि बच्चे की स्किन में ये रैशेस क्यों है, ये थोड़े दिन के बाद उनके स्किन फट क्यों रहे हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करना हमेशा कि ल्यूकवॉर्म वाटर से ही बच्चे को नहलाना है, ठीक है। ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपको बच्चे की स्किन को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है। तो जब वो बहुत छोटे हैं और जब वो सिर्फ माँ के दूध पे है वो ही ले रहे हैं, तो भी आप बीच बीच में बच्चे को पानी देने की आदत डालो, मींस बॉटल से उनको पानी भी पिलाओ। ये हैबिट उनको बचपन से अगर डेवलप रहेगा तो जो आपको ये शिकायत होती है ना कुछ एज के बाद कि मेरे बच्चे तो पानी ही नहीं पीते हैं, पानी के लिए उनको बार बार बोलना पड़ता है, वो नहीं होगा, वो बचपन से उनकी हैबिट जो है ना वो डेवलप रहेगी। तो आप उनके स्किन की केयर के लिए ये कोशिश करो कि वो हाइड्रेटेड रहे हमेशा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप ऑयल मसाज कर रहे हो वॉर्म ऑयल से, तो बच्चे की नाभि में 2-3 मिनट अच्छे से मसाज करना है, अच्छे से नाभि में तेल को डालकर और धीरे 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 एकदम जेंटल मसाज करना है। उससे क्या होगा, उनके होंठ नहीं फटेंगे, उनके स्किन जो है ना वो अच्छे रहेंगे, उनका बाल अच्छा रहेगा, स्कैल्प हेल्दी रहेगा। तो इन सब के लिए आप उसके नाभि पे स्पेशल केयर कीजिएगा, नाभि में ऑयलिंग हमेशा अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ऑयलिंग हो गई, आपको उस ऑयलिंग के बाद नहाने के पहले आप उसे सन बाथ जरूर कराएं। सन बाथ क्या है कि आप ऑयलिंग करने के बाद उसे थोड़ी देर कहीं भी जहां भी धूप आ रहा है आप उसे धूप में थोड़ी देर जरूर छोड़ें। बच्चे को कोई भी चटाई, कोई भी मैट वैट लगा कर उसके लिए गद्दी उसके लिए वो सब करके और उस पर सुला दीजिए। तो क्या होगा, उनके बोन्स स्ट्रांग होंगे, विटामिन डी उन्हें मिलेगा, और जो वो सुबह का 7 to 8 AM वाला जो सन है, जब बहुत वो रेज जो है उसके बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत पावरफुल नहीं है, उस पीरियड में आप बच्चे को धूप में रखें। ये नहीं कि आप 11-12 बजे की धूप में बच्चे को मालिश कर रहे हैं और उन्हें धूप में छोड़ दे रहे हैं, वो समय सही नहीं है। 7 to 8 वाला टाइम सुबह का, उस समय बच्चे को धूप में थोड़ी देर जरूर रखें, या फिर शाम वाला टाइम, ठीक है, मींस जब धूप थोड़ा हल्का हो उस समय आधा घंटा बच्चे को धूप में जरूर रखें।
तो इसे कहते हैं सन बाथ। तो सन बाथ जरूर कराएं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चे को कभी भी काजल ना लगाएं। मोटे मोटे सब काजल लगाते हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है, आँख में चला गया तो आँख बच्चे को बचपन से ही प्रॉब्लम आने लगेगा। तो इसीलिए काजल ना लगाए, टैल्कम पाउडर यूज ना करें। होता है ना कि बच्चे को खूब खुशबू के लिए वो पाउडर पूरा स्प्रे कर देते हैं अच्छे से, तो वो आप करो कि क्यों केमिकल लगाना। आप अगर चंदन पाउडर और सैफरन से बच्चे की मसाज कर रहे हो बॉडी की सुबह में, तो आपको कोई आर्टिफिशियल टैल्कम पाउडर एंड ऑल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कोशिश करो कि ये सब केमिकल बच्चे के शरीर में यूज ना करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चे की बॉडी जो है ना हमेशा ड्राई रहनी चाहिए। मॉइस्ट हो गया, आप ऑयलिंग कर रहे हो तो वो अच्छा है, मतलब मॉइस्चर लॉक हो गया, बट उनकी बॉडी को ड्राई रखना भी बहुत जरूरी है। जैसे बच्चे ने अगर आफ्टर यूरिनेशन आप बच्चे को अच्छे से पहले प्लेन वाटर स्प्रे करके क्लीन करके फिर उसे पोंछ लो एक टॉवल, सॉफ्ट टॉवल से, उसके बाद ही उसे डायपर दूसरा पहनाओ। मीन्स बच्चे को गीला नहीं रखना है। जब उनकी बॉडी गीली है बस एक सूखा कपड़ा पहना दिया और आप सोचोगे कि काम हो गया, वो चीज़ नहीं है। बच्चे को अच्छे से पोंछ के और उसके बाद ही उसे कपड़े पहनाएं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है, ये जो आजकल चला हुआ है ना कि बच्चे को हगीज वगैरह पहना के हर समय रखते हैं पेरेंट्स, कि उन्हें बार बार वो प्रॉब्लम नहीं हो कि क्लीन करना है, यूरिन वाला प्रॉब्लम, वो सब, वो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए वो बच्चे को हर समय डायपर पहना के रखते हैं। लेकिन ये आप ये सोचो कि मैं एक माँ हूँ, वैसे आप भी एक माँ हो, आपके बच्चे हैं, और आपका ये नाजुक सा प्यारा सा बच्चा जिसे आपने 9 महीने अपने अंदर रखा और उसे जन्म दिया, तो फिर उस पर ये अत्याचार क्यों? क्या आप 2 से 3 दिन से ज़्यादा आप पैड यूज़ कर सकते हो? नहीं ना। तो फिर बच्चे को क्यों हर समय डायपर पहना के रखना? कोशिश करो कि कॉटन, जो वो लंगोटियाँ चलती थी ना पहले के ज़माने में, उस तरह का वो कॉटन कपड़ा बांधना या कॉटन पैंट पहनाना जिसमें इलास्टिक बहुत टाइट ना हो, वो आप प्रेफर करो। आप ये हर समय बच्चे को ये डायपर पहना के रखना, इससे बच्चे की स्किन में रैशेज हो जाता है, वो रो रहा है, आपको ये पता नहीं है कि वो क्यों रो रहा है। वो इसीलिए रो रहा है क्योंकि उसे तकलीफ हो रही है, उसे चुभन हो रही है, उसे जलन हो रही है उस एरिया में। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि बच्चे को ढीले ढीले कपड़े, कॉटन कपड़े, कंफर्टेबल कपड़े, क्लीन कपड़े पहनाओ, तो उनकी स्किन जो है ना वो हमेशा अच्छी रहेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं स्किन को लेकर। अब मैं आपको बता रही हूँ कि उनके हेयर केयर कैसे करनी है। उसके लिए वॉर्म ऑयल जो आपने बॉडी में मसाज किया, वो ही ऑयल आपको सर पे भी मसाज करना है। और ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। जैसे अब हम लोग जब अपनी अपना मसाज करते हैं सर का, जब हम अपने सर की मसाज करते हैं तो हम प्रेशर देते हैं, है ना, ये टेम्पल्स को प्रेस करते हैं। लेकिन बच्चों के बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं देना है जब भी आप मसाज करोगे सर की। उसमें आपको सिंपली एकदम जेंटल मसाज, सर्कुलर मोशन में बस मसाज करना है, और आप देखोगे कि एक्सेस सीबम निकलने की वजह से इस एरिया में आप देखोगे मोस्टली कि बच्चे का एक लेयर सा जम जाता है, येलो येलो सा, है ना। तो आप ये हैबिट डालो कि सुबह शाम 2 बार, इससे ज्यादा नहीं। जैसे हम बड़ों के लिए कहते हैं ना कि 100 strokes होना चाहिए कोम्ब का, वो नहीं, आप सिर्फ 2 बार अच्छे से सुबह शाम का 1 बार पूरे स्कैल्प में कोम्ब जरूर चलाओ, वो बहुत जरूरी है। और सॉफ्ट ब्रिसल वाले अच्छे वाइट टूथ वाले कोम्ब आप बच्चे के लिए जो होता है स्पेशली, वही कोम्ब यूज करो। और दोनों टाइम कोम्ब आपको जरूर यूज करना है, उससे आप देखोगे कि जो यहाँ पे लेयरिंग आ जाती है ना वो नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा शैम्पू आप कोशिश करो कि कोई केमिकल शैम्पू यूज नहीं करना है, एकदम ऑर्गेनिक शैम्पू यूज करो, या नहीं तो सिंपली बेसन से ही बच्चे के अच्छे से सर पे लगाया और वॉश कर दिया। बच्चे को बचा के आपको कैसे नहलाना है वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी और अच्छे से बच्चे को नहलाना होगा, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि ये जो आजकल फैशन है ना कैप लगा के रखना बच्चों को
और टाइट हेयर बैंड्स लगाना तरह तरह के मैचिंग से और क्लिप्स लगाना, तो ये कोशिश करो कि इतने छोटे बच्चे को हेयर बैंड एंड क्लिप्स वगैरह लगाना, टाइट रबर बैंड्स लगाना, ये सब आप अवॉइड करो। बहुत खींच के बाल नहीं बनाना है, बहुत सिंपल वे में, जेंटल वे में, मतलब कोम्ब किया और सिंपल एक छोटा सा रबर सॉफ्ट सॉफ्ट लगा दिया। अभी इनकी स्किन बहुत नाजुक है, अभी ये जो पीरियड है ग्रो करने वाला हर चीज में है ना, तो इस पीरियड में आप अपने हिसाब से उस बच्चों की केयर मत करो, आप बच्चे को बच्चे के हिसाब से केयर करो। तो इससे क्या होगा कि उनकी स्किन, उनकी हेयर सब कुछ अच्छे रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का ये मेरा जो सेशन रहा ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।